हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल संजय। तो दोस्तों, गूगल ने प्ले स्टोर से मित्रों ऐप और तो और चाइना रिमूव ऐप को भी हटा दिया है। इसके पीछे क्या रीज़न है ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसे जैसे टिकटॉक की रेटिंग गिरती गई थी उसी के जैसे ही इंडिया में एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम था मित्रों। लेकिन हाल ही में प्ले स्टोर से गूगल ने प्ले स्टोर से मित्रों ऐप को हटा दिया गया है और इसके पीछे ये रीज़न है कि मित्रों ऐप ने गूगल की गाइडलाइन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया है। क्योंकि आप किसी दूसरे ऐप की कॉपी करके कोई भी दूसरा ऐप लॉन्च नहीं कर सकते और इसी को ध्यान में रखते हुए गूगल ने ये कहा है कि हमने प्ले स्टोर से मित्रों ऐप को इसलिए हटा दिया है क्योंकि मित्रों ऐप ने गूगल की गाइडलाइन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया है और ये एक कॉपी ऐप है। मतलब कि इसने टिकटॉक की कॉपी करके फिर ये ऐप सिर्फ नाम चेंज करके इसे लॉन्च किया गया है। इसी कारण से हमने मित्रों ऐप को हटा दिया है और तो इसके 5 मिलियन के लगभग डाउनलोड हो चुका था अभी तक ये। और दोस्तों, दूसरी बात हम बात करें तो चाइना ऐप रिमूव की, तो रिमूव चाइना ऐप ये भी इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि ये भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा था। ये कुछ ही दिनों में इतना अधिक पॉपुलर हो गया कि अधिक इंडिया में अधिक से अधिक यूजर्स ने इसे डाउनलोड किया और अपने एंड्रॉयड मोबाइल से चाइना ऐप को डिलीट कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया। ये देखिए, ये स्कैन करने के बाद जितने भी चाइना ऐप होते हैं सभी को वेरीफाई होने के बाद अनइंस्टॉल कर दिया जाता है। तो इसकी पॉपुलरिटी काफ़ी अधिक बढ़ रही थी और इसी को ध्यान में रखते हुए भी गूगल ने प्ले स्टोर से चाइना रिमूव ऐप को भी हटा दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।